स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश सरकार द्वारा अपने वायदे के अनुसार 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू न करने से गुस्साए किसानों ने आज सढ़ौरा मार्केट कमेटी से लेकर सढ़ौरा सब तहसील परिसर तक सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पहले 25 सितंबर से धान की खरीद शुरू करने की घोषणा की थी, फिर उन्होंने 1 अक्टूबर को धान की खरीद करने की घोषणा की, जिससे किसान अपनी फसल को लेकर 1 अक्टूबर को अनाज मंडी में पहुंच गए, मगर 1 अक्टूबर को भी उनकी फसल की खरीद शुरू न हो पाई, जिसके कारण से किसानों में सरकार के खिलाफ गहरा रोष व्याप्त है। सरकार द्वारा की गई वायदा खिलाफी से गुस्साए किसान आज अपनी धान की फसल के साथ ही सढ़ौरा सब तहसील परिसर में पहुंचे और उन्होंने अपनी फसल को तहसील परिसर में ही डाल दिया। किसानों ने यह भी कहा कि यदि 2 अक्टूबर से उनकी फसल की खरीद शुरू ना हुई तो अपनी फसल को एहडीएम ऑफिस बिलासपुर व डीसी ऑफिस यमुनानगर परिसर में भी डालकर आएंगे। तहसील परिसर में फसल डालते हुए किसानों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। खट्टर पट्टर मुर्दाबाद, खट्टर पट्टर मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, खट्टर पट्टर। किसानों को ये कहना था कि एक तरफ तो प्रदेश सरकार किसान हितैषी होने का दावा कर रही है, मगर दूसरी तरफ किसानों को उनकी फसल के साथ दर बदर भटका रही है। विरोध स्वरूप किसानों ने उप मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका। क्योंकि हरियाणा के अंदर जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने 25 तारीख का जो 25 सितंबर का निर्णय लिया था कि हरियाणा के अंदर सरकारी खरीद शुरू होगी, पर जैसे 25 तारीख आई उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया और वो 1 अक्टूबर के लिए उन्होंने बोला था कि हरियाणा के अंदर सरकारी खरीद होगी, परंतु जब 1 तारीख का किसान बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो उसको तुरंत वापस लिया गया और अब सरकार ने फैसला लिया कि 11 अक्टूबर को जीरी की खरीद शुरू होगी और जो पहले 33 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमारी जीरी ली जाती थी, अब वो 33 की बजाय 25 क्विंटल आपकी प्रति एकड़ जीरी खरीदी जाएगी। उसी एवज में हम सभी किसान इकट्ठे हुए मार्केट कमेटी के दफ्तर सढ़ौरा में, उसके बाद आज हम 1 घंटे के लिए संकेतिक प्रदर्शन करने के लिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, ताकि तहसीलदार के माध्यम से, क्योंकि ब्लॉक के अंदर जो तहसीलदार है वो ब्लॉक का मजिस्ट्रेट है, हम उसके माध्यम से अपना यहाँ रोष प्रकट करने के लिए आए और तहसीलदार से भी हमारा अनुरोध है कि वो हमारी बात को सरकार तक पहुंचाए, ताकि जीरी की खरीद आज ही शुरू हो सके। तो ये हमारा तहसीलदार से भी अनुरोध है कि वो एक बार माइक पे आकर बोले और वो ये हमें आश्वासन दे कि उन्होंने हमारी बात सरकार तक पहुंचा दी है। सभी साथियों का धन्यवाद। अब चेयरमैन साहब आए, जैसे ही 25 सितंबर नजदीक आई उन्होंने अपना फैसला बदल कर 25 की बजाय 1 अक्टूबर ले लिया। साथ के साथ वो सारे के सारे सांप की तरह एक बिल में घुस गए, उनका जो आईटी सेल था वो सारा जीरो हो गया।
चलो किसान साथियों, संयुक्त मोर्चा ने भी और किसानों ने भी सब्र कर लिया कि 5 दिन की बात है, खरीद हमारी जीरी की 25 गुना हुई 1 तारीख को हो जाएगी। लेकिन इस दौरान किसानों की लगभग 20% फसल कट के मंडी में आ चुकी थी और आज किसी भी किसान के पास इतने बड़े शेड नहीं है या इतना बड़ा बारदाना नहीं है कि वो अपनी फसल को अपने शेड में या घर में रोक सके। सभी के पास लिमिट सर के बारदाने हैं, किसी के पास इतना बड़ा शेड नहीं है। ये व्यवस्था करने की जिम्मेवारी उस इंसान की होती है जिसको हम चुन के भेजते हैं, पार्लियामेंट में बैठाते हैं उसको कि हमारे लिए बड़े बड़े निर्णय ले। उन्होंने निर्णय ये ले रखा है कि साढ़ोरा अनाज मंडी इतनी छोटी है कि उसमें मुश्किल से 4 गांवों का अनाज भी नहीं सूख सकता। या तो सरकार बड़े फड़ बनाती कि हमारा अनाज सूख सकता था, लेकिन हमने फिर भी जैसे तैसे करके इसके ऊपर सब्र कर लिया कि चलो इसी मंडी से हम काम चलाएंगे। लेकिन सरकार ने कल अपना एक तुगल की फरमान जारी किया, रात को ही जारी कर दिया कि धान की फसल जो है वो 1 अक्टूबर की बजाय 11 अक्टूबर किसानों की खरीदने की रखी गई है, जिससे कि किसान असमंजस में पड़ गया। पूरी रात हम सभी किसान साथियों को नींद नहीं आई, ऊपर से तो मौसम की मार, किसान की फसल खेत में पककर तैयार, नीचे झुक चुकी है, गिर चुकी है कि ऊपर से बारिश का मौसम है, इसके अंदर खेत के अंदर घुंडे फूटेंगे। साथियों, इन्होंने एक फरमान और जारी किया कि 33 क्विंटल की बजाय 25 क्विंटल धान की फसल प्रति एकड़ पंजीकरण के हिसाब से खरीदेंगे। जो किसान आज अपनी मेहनत करके लेवलर फेर के खाद वगैरह डाल के अपनी फसल को आज लगभग एवरेज है 32-33 क्विंटल खेत में से निकालता है, रात दिन बच्चों को साथ में लगा के मेहनत करके अपनी फसल को बच्चों की तरह पालता है, उस किसान की ये बोल रहे हैं कि ऊपर की फसल आप अपने घर ले जाइए, हम तो सिर्फ आपकी 25 क्विंटल फसल खरीदेंगे। साथियों, ये बताइए कि ना तो किसान 1 अक्टूबर की बजाय 11 अक्टूबर तक सब्र कर सकता है और ना ऊपर की बची हुई 5-7 क्विंटल फसल अपने घर पे रख सकता है। ये किसान विरोधी सरकार इतने बड़े बड़े फरमान उस टाइम में जारी कर रही है जब किसानों की एकजुटता होकर हमारा आंदोलन चल रहा है। ये हमारे आंदोलन से निडर होके इस तरह के फरमान ये जारी कर रही है कि किसान दुखी होकर ये छोड़ दे।